अभी देखो आपको किससे मिलाता हूँ। हिरन आज ये दिन संडे, तो मैंने आपको बोला था संडे संडे मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो यही आज भी संडे है, तो आज भी कहीं ना कहीं निकले शूट करने के लिए और देखते हैं कहाँ जाने वाले हम। आप देखोगे, मुझे पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बट बताऊँगा नहीं आपके लिए। कुछ सरप्राइज ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखानी है, इसीलिए वीडियो में देखना, आपको बता नहीं सकता। और तो फिलहाल मेरे साथ जो दो लोग आए मेरे साथ ज्वाइनिंग में, अभी फिलहाल चल रहे हैं, आगे कहीं रुकते तो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ, तो मेरे साथ अंकित भाई है। अंकित भाई फेस दिखा दो अपने। यार आपने मात्रा वाले वीडियो में देखा रहेगा अंकित भाई को, काफ़ी हम लोग ने हार्ड वर्क भी किया था। और ये आकाश भाई अभी फिलहाल ट्रेन के लिए, ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। अभी फिलहाल हम लोग वेस्टर्न लाइन में आ चुके हैं, वेस्टर्न लाइन से यहाँ से लोकल पकड़ेंगे। फिलहाल हम लोग कोकम शरबत पी रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है अच्छा चीज़। वो अभी फटाफट बन के हमारा वो खावे और यहाँ से फिर निकले, ये खाते हैं और वापस चलते हैं। एक्चुअली मैं जहाँ पे आया हूँ उसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। और अभी इसके अंदर पार्क में जो जो चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए आप बने रहो। और अभी फिलहाल हम लोग साइकिल ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये पार्क है, तो हम लोग वहाँ पे आपको कैसे दिखाएंगे उससे लिए साइकिल का जुगाड़ कर रहे हैं। और साइकिल के क्या चार्जेस है, क्या कितना देना पड़ेगा, क्या है वो आप सबको बता देंगे। और हम भी अपना ले रहे हैं ये साइड अच्छा वीडियो आएगी। तो अगर अगर आप भी अगर आ रहे हो मेरे तो आ रहे हो यहाँ पे, आप बाहर ही हो ना हमेशा? हाँ भाई, आप भाई हमेशा बाहर ही रहते हैं। अगर आपका हम तो फिलहाल एक ही साइकिल कर रहे हैं ले रहे हैं। और आप सबको भी डिटेल वगैरह भी आप अंदर जाके उससे भी पूछेंगे क्या डिटेल आपको, जो अच्छा लगे आप वहाँ पे। तो फिलहाल हम तो भाई से ले रहे हैं, आपका नाम बाइसिकल रेंटल और डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और आप भी मैं फिलहाल उनसे ले लेता हूँ बताऊँगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको डाल दूँगा, आप वहाँ पे हाई बाय कर सकते हो भाई। एक्चुअल रेट ये वाला है, ये सब जो है वो हमेशा अगर आओगे तो ये वाला रेट है। अभी मैंने ऑफर दिया है, देखते अभी हम थोड़ा पसंद करते हैं कौन सी साइकिल लेते हैं हम लोग, कुछ वो हिसाब से ना, वो हिसाब से 100, 200, 300 5:30 बजे तक, 5:30 के पहले कुछ भी करके आपको रिटर्न आना है, बिकॉज 5:30 तक पार्क बंद हो जाता है। 100 रुपये में कुछ ऐसी साइकिल मिलेगी आपको, अगर आप ये ऐसी साइकिल लेना चाहते हो तो ये 200 रुपये में। तो एंड फाइनली हमारी साइकिल मिल चुकी है हमें। एक्चुअली जो हमको ऑफर एक्चुअली ऐसा मिला है, 200 वाली साइकिल हमें 500 रुपये में पड़ी है, 3 साइकिल ले रहे हैं हम लोग। और हैरी भाई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, और हमारे ऑडियंस जो भी आएगी उनके लिए अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। चालू होने वाला है हैरी भाई के साथ, इनका शॉप देखा था और डिटेल अभी बाद में फिलहाल और अच्छे से बताएंगे हैरी भाई के साथ। फिलहाल हम लोग जाते हैं अंदर घूम के आते हैं, घूम के आओ, आराम से चलाओ, आराम से आओ, एकदम आराम, कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं, शाम को 5:30 बजे तक रिटर्न आ जाए। एक आदमी का 76 रुपीज लग रहा है, और अपने साइकिल से जो हम लोग ने हैरी भाई से वहाँ से लिया था यहाँ पे, वहाँ साइकिल का 26 रुपया लग रहा है, मतलब 76 रुपया एक आदमी का, और एक साइकिल का 26 रुपया लगेगा चार्ज। और हमें अंदर जाने को एंट्री मिलेगा, पूरा वही टिकट निकाल रहे हैं आकाश भाई, गए टिकट निकालने के लिए, एक आदमी टिकट निकालेगा, बाकी हम लोग सब यहाँ पर पड़े पड़े टिकट आए फिर नंबर अंदर जाए। वहाँ पर जो इतनी सारी ट्रैफिक लगी ना, अगर वहाँ पर अगर आप टिकट कटा रहे हो तो यहाँ पे आपको बैग चेक कराना पड़ेगा, आपका टिकट दिखाना पड़ेगा, तो यही आपको अंदर जाने को मिलेगा। तो यही मेरे साथ हुआ, वो का 5-10 मिनट यहाँ पे लग गया हमारा। फिलहाल हम ये मैप के थ्रू हम लोग जाने वाले, जहाँ पर जाने वाले यहाँ पे कहाँ पे पानी पीने की क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब दिखा हुआ है, वो सब के बारे में जानकारी दी हुई है। और यहाँ से हम तय करके यहाँ से देख के जाएंगे। ओए तेरी, एक्चुअली वो जो भीड़ लगी ना, एक्चुअली वो जो बस में टाइगर वगैरह देखने के लिए जो जाते हैं बस में आके, जो गवर्नमेंट की बस खरीद जाती है, वो लोग एक्चुअली वो लाइन वहाँ पे है। अगर आपको टाइगर देखना है तो बस वहाँ, वो टाइगर देखने का टिकट वहाँ पे मिलेगा बस का, इसीलिए वहाँ पे भीड़ है। फिलहाल हम गार्डन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे भूतमंगला है, वहाँ पे भी आपको वो भी दिखाएंगे भूतमंगला कैसा है। फिलहाल वहाँ पे फिलहाल गार्डन देखते हैं हम लोग। एक बंदर को कितने बंदर मार रहे हैं?
बस आ गई टाइगर वाली। कुछ सफ़र करने के बाद हमको काफ़ी अच्छा चीज़ दिखी है, मतलब बड़ा सा चट्टान है इसके बीच में गैप है, उसके अंदर हम लोग सोच रहे कुछ फोटो खींचने को, और ये टाइगर भाई को तो पन्नी में बांध के रखा है 9 साथी। क्या हुआ बंद है क्या, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर लगता है पार्टी होता है। खोलो खोलो भैया, ये हमारे तीनों साइकिल और ये रहे हम, और अभी हम सीधा निकलेंगे भूत बंगले की तरफ से। तो देखा आपने जैसे कि यहाँ पे हिरन फर्स्ट जानवर देखने को मिला है हिरन, और अच्छे पे नजदीक से दिखाते हैं आपको। पब्लिक कितनी आ रही है, जा रही है। तो साइकिल चला चला के हालत खराब हो रही है, बट हम लोगों ने काफी ज्यादा रेस्ट लिया था वहां पे और कुछ खाया भी था, तो वो हिसाब से अभी उतनी थकान महसूस नहीं हो रही, बट सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे गर्ल्स लोग थे और इनका साइकिल में प्रॉब्लम हो गया था, तो चैन जो भैया लोग साइकिल देते ना उनको अच्छे से पेपर रिपेयर करके देवे। यहाँ पे देखो कैसे काफ़ी कितने समय से आप प्रॉब्लम में थे, काफ़ी समय से ना प्रॉब्लम हो गया था, एक्चुअली इनको आता नहीं चढ़ाने। अगर आप सब अच्छे से साइकिल रिपेयर करके दोगे तो ये सब प्रॉब्लम ना होगी। अभी देख रहे हो कितना ज़्यादा टीशू पेपर खराब हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया आपका, आपका कितना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बस जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो रहा पहाड़ और वहाँ पे गुफा है, और आप हम सब वहीं पे मिलते हैं सीधा अभी। अब यहाँ से हम पैदल ट्रैकिंग करने वाले साइकिल के साथ लेके, क्योंकि यहाँ पे रोड सीधा ऐसे है, तो वो हिसाब से हम लोग पैदल जाएंगे। और पानी की कीमत ऐसे समय मालूम पड़ती है, पानी कितना कीमती होता है, एक एक बूंद एक एक घूट हम तरस रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ने पी लिया, अभी पानी हमारे पास खत्म हो चुका है, और वही सोच रहे अगर आगे नहीं मिलेगा तो हमारा हालत क्या होने वाला है। कोई कोई अपना यूरिन भी पीता है पानी लाते हैं, वो हिसाब से अभी वो हिसाब से हम लोग पानी पीने वाला है। मैं यूरिन अपना आकाश को बहुत प्यास लगी है, तो आकाश शायद यूरिन पिएगा अपना, आकाश यूरिन ट्राई करने वाला है। अभी फिलहाल मैं नींबू पानी बनवा रहा हूँ खुद के लिए, प्रभु नींबू पानी पी के ऊपर चढ़ाई करूंगा। और हम लोगों ने साइकिल वहाँ पे पार्क में की है अच्छे से, ताकि हम जिधर से साइकिल लिए अच्छे से प्रॉपर उनको देना भी चाहिए, जैसे साइकिल लिए वैसे देना भी चाहिए। देख रहे हो बाजू में एक बैठे पड़े कनेरी केव्स, चलते हैं फिलहाल। यहाँ पे दो प्रकार की सीढ़ियाँ, एक सीढ़िया है एक नॉर्मल प्लेन है। हर जगह टिकट निकालना पड़ता है यार, क्या नियम। एक आदमी का 25 रुपीज। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जगह बनी हुई है, रेस्ट कर सकते हैं आप काफी अच्छे से। रेस्ट कर रहे हैं सब लोग पब्लिक यहाँ पे। कोई है प्रदीप ब्लॉग, भूत बंगला बंगला रखा हुआ है, देखा आपने बस ऐसा है। अभी और ऊपर चलते देखते कैसा है, कितना क्या चल के जाना यार, यहाँ से उड़ी मारो सीधा यहाँ।
ये तो मेरे को वो सीन याद आ रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा शिवलिंग बना हुआ, क्या है ये पता नहीं है, बट कुछ तो है ऐसा शिवलिंग जैसा। फिलहाल इसके अंदर हम चलते हैं। क्या ये पूरा पिल्लर दिए हुए, देखो पिल्लर है पूरे ऊपर, इतने बड़े बड़े। यहाँ अंकित भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटो रात में फोटो शूट हो रहा है। आप एक बार अंदर आके जरूर देखना है, आप काफी डरावना सीन है, सच्चे में डरावना है। क्या बनाया है ये वीडियो के लिए, बंदे लोग को बता दे। ए सांप और पे इधर उधर है। हां यहां पे भी कुछ है, उसके अंदर भी यही सब स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, देख सकते हो। ऐसा जाना है ऐसा। यहाँ से कुछ सीन ऐसा है चारों तरफ, अगर यहाँ पे जिसका पैर स्लिप होएगा वो 12 के भाव में जाएगा, और 13 बिन उसका 13 हो जाएगा, प्योर भी ऊपर है। फिलहाल हम इसके अंदर जा रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, इसके अंदर जा रहे हैं, देखते क्या है इसके अंदर। यहाँ पे तो जाली से बंद करके रखा हुआ है। ओ यहाँ पे सब पहले के लोग जो रहते थे, लगता है मुझे उस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, सोने के लिए। हम लोग तो काफ़ी लेट आ गए, इसीलिए हम लोग ने ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सारे गुफा थे, केव्स थे, तो इन्जॉय नहीं कर पाए। मतलब जो जितना किया बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, बाकी मतलब ज़्यादा आधे से ज़्यादा हम लोग ने घूम ही लिए थे, और आप सबको दिखा भी लिया। अगर आप सब आ रहे हो तो सुबह सुबह घर से निकलना, काफ़ी मतलब थोड़ा जल्दी आप आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 5:30 बजे ये बंद हो जाता है। हम लोग वहाँ पे अभी घूम के आ चुके हैं, यहाँ पे वापस से मैंने नींबू पानी पिया। हमारे साइकिल यहाँ पे रखा था जहाँ से हम लोगों ने नींबू पानी पिया था, एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने साइकिल रखा था, अभी यहाँ से हम सीधा निकलते हैं वहाँ पे। हालत खराब है, अभी आपको किससे मिलाता हूँ। देख रहे बेचारी चली गई, अभी देखा चली जा रही, काफी ज्यादा हालत खराब है। और ये हमारा एंट्री पॉइंट था जो कि हम यहाँ से घुसे थे। वीडियो तो कमेंट करके बताओ वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि जो हिसाब से हम लोग ने बना रहे हैं मालूम पड़ रहा है अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको जैसी वीडियो पसंद सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हमको अच्छा लगा और अच्छा बनाया और आपको और भी अच्छी अच्छी जगह जाए हम लोग विजिट करें। और अगर आपको कोई अच्छी जगह लगे तो आप तो आओ यहाँ पे। और आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अभी हरी भाई से मिलते हैं, इसके बाद एंड करते हैं अपना वीडियो। तब तक के लिए चलते हैं, अगला चीज मिलते हैं। फाइनली हम लोग साइकिल शॉप पे पहुंच चुके हैं। वेट कर रहे थे हमारा वेट कर रहे थे।
चलेगा करके आधा घंटा हम लोग लेट हुए इतना चलता है आप इतनी अच्छी साइकिल मेंटेन करके उसका राज क्या है? हमारे देवेंद्र भाई करके है जो मेंटेन करते हैं। बहुत बहुत मक्खन चौधरी भाई जो नहीं बोला बहुत मक्खन जो फील आ रहा था साइकिल जंपिंग उड़ाने में भी थोड़ा सा और बिली बिली मारा कि नहीं क्योंकि वो साइकिल चलाते चला ऑफ रोडिंग सही है साइकिल एकदम बेस्ट इतना एकदम अच्छा लगा ना भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ जो साइकिल में इतना चला नहीं पा रहा था उतना चलाया मैंने यू वांट टू से समथिंग अबाउट माय शॉप एक्चुअली हम लोग हैरी भाई के कस्टमर से पूछते हैं आपको आप अच्छा आपको हैरी भाई के साइकिल कैसा लगा चलाने में साइकिल चलाने में कैसा लगा हमें अच्छा था ना बहुत बढ़िया ना जो हिसाब से हम लोग को लगा एकदम अच्छा एकदम न्यू साइकिल लग रही थी हैरी भाई की तरह हाँ मतलब क्या है मेरी तरह क्या है साइकिल अच्छी लगी आपका लिख रहे हो लुक इस अच्छा तो बाइक के चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर वेयर जो करना है कर लो पर हमें भी करना उसी हिसाब से ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हरी भाई का थैंक यू नमस्ते हमने मैं तो लैग्स नहीं मारा था अंकित भाई ने लैग्स मारा था और हमारे पास दो बिल्डर भी आए और साकेत जैसे ही दिख रहे सेम टू सेम नहीं इनका नाम यस है ना भाई यस तो हमें एक्चुअली साइकिल में इन्होंने बोला बहुत अच्छी चीज कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी पेन हो जाएगी मतलब अपने क्या बोल रहे थे आप अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना कार्डियो हो जाएगा हमारा तो ये हाँ ये सब अच्छा है अगर आप साइकिल चला रहे हो अपना फायदा है बॉडी में मेंटेन है सब कुछ अच्छा है तो फिलहाल आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं आई होप आपको मजा आएगा